नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? थोड़े दिन पहले मैंने साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी डाली थी और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप और कोई व्रत का खाना बताएं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये आसान सी और झटपट बनने वाली, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में और हमेशा उपलब्ध रहने वाले इंग्रेडिएंट्स जैसे आलू वगैरह। तो आज हम बनाने वाले हैं ये व्रत की आलू की सब्जी। तो ज़रूर वीडियो एंड तक देखिए और ये रेसिपी को लाइक कीजिए और चैनल अमेरिकन दीदी को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बनाते हैं व्रत की आलू की सब्जी। तो ये व्रत के आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने ये करीबन 1/2 किलो आलू लिए हैं। इनको मैंने उबाल के ठंडा करके इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। ये 1/2 कटोरी भुनी हुई मूंगफली है। मूंगफली को करीबन 15 से 20 मिनट हाई गैस पे मैंने हिलाया है और उसको ठंडा करके उसके छिलके निकाल के फिर मिक्सर में उसको दरदरा पीसा है। ये 1/2 कटोरी फ्रेश ऑर्गेनिक कोकोनट है और ये 2 हरी मिर्च है जिनको मैंने बारीक काट के रखा है। अब मैं ये नारियल और हरी मिर्च को मिक्सर लगाऊंगी, फिर आगे की रेसिपी देखते हैं। अब हमने ये मिक्सर लगा लिया है नारियल और 2 हरे मिर्च का, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक पैन में 2 टेबलस्पून तेल लिया है, आप घी भी ले सकते हैं। और अभी मीडियम फ्लेम पे गैस चालू। अब एकादशी का व्रत आ रहा है अगले हफ्ते, तो उस वक्त आप ये सब्जी बना सकते हैं। मेरे और भी व्रत के वीडियोस हैं, साबूदाना खिचड़ी, उबली हुई मूंगफली, उसे भी आप देख सकते हैं और बना सकते हैं। तो अब हमारा तेल गर्म हो गया है और मैं इसमें 1 टेबलस्पून जीरा मिला रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारी ये उबले हुए आलू है उसमें हम ये जो हमारा मूंगफली है कुटा हुआ उसे डालेंगे और जो हमारा स्वाद अनुसार नमक है उसे मिलाएंगे और ये जो मिक्सचर है इसे डायरेक्टली पैन में मिला लेंगे। ये हल्के से मिलाएंगे हम। आलू एक ऐसी सब्जी है जो सबको पसंद आती है, तो अगर आप व्रत के लिए ये बनाएंगे तो आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं या फिर आप अगर ऑफिस में जा रहे हैं तो ये एकदम सूखी सब्जी है, तो आप वैसे भी लेके जा सकते हैं लंच के लिए। और ये झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। मैंने मेरी बहुत सारी रेसिपीज में आलू का इस्तेमाल किया है, तो आप वो भी रेसिपीज देख सकते हैं और वैसे बना सकते हैं। आलू मटर की सब्जी है या फिर उड़पी स्टाइल रेस्टोरेंट मसाला डोसा सब्जी है आलू की, वो भी आप बना सकते हैं। और बहुत ही जल्दी मैं कॉलीफ्लावर और आलू की एक ड्राई सब्जी डालने वाली हूँ, तो उसे भी आप बना सकते हैं, वो भी आप टिफिन में लेके जा सकते हैं लंच के लिए। वो भी एक ड्राई सब्जी है, बहुत टेस्टी बनती है। तो अब मैंने गैस को सिम कर लिया है और ये जो हमारा कोकोनट और चिल्ली का मिक्सचर है इसे इसमें मिलाएंगे। थोड़ा सा फिर से इसको स्टर करेंगे।
अब मैंने इसमें 2 टेबलस्पून तेल और मिला लिया है और इसे हम थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए स्टर करेंगे। और फिर आपकी ये व्रत की आलू की सब्जी एकदम तैयार है खाने के लिए। व्रत की सब्जी होने के कारण हमने इसमें कोई हल्दी या फिर मसाला नहीं डाला है। हमने बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स डाल के बहुत ही टेस्टी ऐसी सब्जी बनाई है और अब हम इसे प्लेट करते हैं। तो हमारी व्रत की आलू की सब्जी तैयार है। आप जरूर एकादशी को या फिर अन्य कोई उपवास को ये सब्जी बनाइए। बहुत ही झटपट होने वाली और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, तो ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी सब्जी कैसे बनी। आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके पड़ोसियों के साथ, आपके मित्रों के साथ ये रेसिपी शेयर कीजिए। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल अमेरिकन दीदी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।